नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनू बाला। आज हम नुट्रिला इन टमाटो ग्रेवी, टमाटो ग्रेवी में नुट्रिला की सब्जी कैसे बनती हैं वह बनाने जा रही हैं, क्योंकि जो नुट्रिला आज हम बनाएंगे वे वाली नुट्रिला हम एक सैंडविच में भी फिल करेंगे। सैंडविच में भी उसी प्रकार की सब्जी काम में आएगी। वो सैंडविच बहुत हेल्दी बनेगा, बच्चों के हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पौष्टिक होगा, न्यूट्रिशियस होगा। तो आज मैं पहले उस सब्जी के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ कि क्या क्या हमने लेना है। ये वाली दो कटोरी मैंने सूखी नुट्रिला जब हम पैकेट से निकालते हैं ली थी, दो कटोरी लेकर मैंने एक घंटा इसे पानी में भिगो दिया, ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। जो नुट्रिला भिगोए हुए, ये है हमारे पास MDH की कसूरी मेथी, गरम मसाला, ये है 5 कली हमारे पास लहसुन की, 2 अनियन है स्लाइस्ड, 3 हमने टमाटर लिए हैं, 200 ग्राम तक टमाटर ले सकते हैं आप। ये है जावित्री, सूखा मसाला होता है, किराने की शॉप पे मिलता है, जो हम गरम मसाला बनाने में प्रयोग करते हैं जावित्री। ये हरे धनिया के पत्ते हैं, ये है तेज़पत्ता, वे लीव, ये दालचीनी, सिनेमन, ये बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, क्लोव्स, पेपर, काली मिर्च और धनिया पाउडर, साबुत जीरा, नमक, लाल मिर्च पाउडर, शुगर, ग्रेटेड जिंजर, कद्दूकस किया हुआ, हमारे पास अदरक है, इतनी चीज़ें चाहिए और ऑयल सब्जी बनाने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें देखते हैं कि नुट्रिला ने कितना पानी लिया है। कुकर को आंच पर रखेंगे, यह हम चेक करते हैं कि कितना इसमें पानी है, नहीं अगर कम होगा तो हम और डाल देंगे। पहले बड़ियों को निकाल के अपने कुकर में रख लेंगे। देखिए हमारे पास इतना पानी है, यानी कि एक कटोरी। तो हम क्या करेंगे, गैस को कर देंगे धीमा, पहले इधर ही रखते हैं छोटे पे ही, बर्नर पे ही। तो हमने जो सूखे मसाले लिए हैं ये हम इतने इतने नहीं डालेंगे, बेल एक तो चलो एक पूरा डाल देंगे, कोई बात नहीं है, इसे तो हम ऐसे इसमें पूरा डाल देंगे। जो सिनेमन है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो तो मैंने अपने दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा बड़ा रखा था कि आपको क्लियर हो जाए कैमरा में। जो एक्चुअली हम लेंगे वो इतना पीस लेंगे, इतना, क्योंकि हमारी नुट्रिला थोड़ी है जी, काफ़ी तेज़ होती है इसकी गंध। अब जो लौंग है वो लेंगे, हरी इलायची, थोड़ा इसे क्रश कर लेंगे सभी चीज़ों को, ताकि इसकी जो सुगंध है। जो साबुत काली मिर्च है 5-7 मैंने काली मिर्च ली है। इसी प्रकार से लौंग को भी हम क्रश कर लेंगे। ये सभी मसाले जो खड़े मसाले हैं, और जावित्री भी हमने इतनी लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी, ये मसाले बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, 1/4 टीस्पून के बराबर, नहीं तो आपका जो फ्लेवर है वो ख़राब हो जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। सभी खड़े मसालों को हम इसके साथ ऐसे डाल देंगे, थोड़ा सा जीरा, 1/2 टीस्पून से भी कम हम इसमें डाल देंगे जीरा, कितना, 1/4 टीस्पून। अब हम क्या करेंगे, इसे सिम आंच पे 10 मिनट पकाएंगे, 10 मिनट, थोड़ा पानी और डाल देते हैं, पूरी एक कटोरी होगा, थोड़ा कटोरी से कम था, और आंच कर देंगे सिम, ताकि सभी जो मसाले हैं उसका फ्लेवर इसमें आ जाए। मैं आपको बताती हूँ, ये बड़ा बर्नर है, छोटा, छोटे को भी बिल्कुल ऐसे, और 10 मिनट इसे ऐसे पकने देंगे, ताकि सभी मसालों के फ्लेवर हमारी नुट्रिलास में आ जाए, उतर आए, बस इतना काम करेंगे, फिर हम आगे का प्रोसीजर करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो टमाटर्स लिए हैं उसे मैंने अच्छी तरह धोकर रखा हुआ है, मिक्सी का एक लेंगे कंटेनर, जो लिक्विड चीज़ों के लिए रहता है। कंटेनर में हम 1-2 टेबलस्पून डाल लेंगे पानी, पहले
दो टेबलस्पून के लगभग मैंने पानी डाल लिया। अब हम इसके पीसेस करके, देखिए टमाटर कितने हैं, लगभग जो 200 ग्राम के करीब होंगे। अब छोटे छोटे पीसेस करके हमने कुछ नहीं करना, इसकी प्यूरी बनानी है, जैसे हम सब्जियों में ग्रेवी में डालने के लिए बनाते हैं उसी प्रकार से हम इसकी प्यूरी बनाकर रख लेंगे। हमारे सोया चंक्स को बॉयल होते हुए 15 मिनट हो गए हैं, हमने गैस बंद कर दिया है, हमने 15 मिनट ही बॉयल कर लिए ताकि सभी मसाला इसमें आ जाए फ्लेवर। और अब हम इसे खोल कर बाद में चेक करेंगे, सबसे पहले हम अपनी ग्रेवी की तैयारी कर लें। जो हमारे पास गार्लिक की कलियां हैं, लहसुन की कलियां हैं, हम उसे क्रश कर लेंगे। उधर हमने टमाटो प्यूरी भी बना के रख लिया, आप देख लें कि 2 कटोरी तैयार हुई है इतने बड़े बड़े टमाटरों से। आपको अंदाजा लग जाएगा कि इसके लिए कितनी ज़्यादा टमाटो प्यूरी चाहिए रहती है। इसमें टमाटोज का ज़्यादा प्रयोग होता है, ग्रेवी भी रेड रेड ही बनती है, ये बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। और जो जिस तरीके से हम अपने यहाँ जो नुटीला सोया चंक्स बना रहे हैं, ये हमारी बहुत सी और रेसिपीज में भी काम आई है, हम इसका प्रयोग करेंगे। अब हम अपने सोया चंक्स का देखते हैं क्या हाल है, खोल के मसाले तो सभी सोया चंक्स बिल्कुल बनकर रेडी है और पानी भी इसमें नहीं है, ना मात्री है जितना कि हमें चाहिए था। तो 15 मिनट बिल्कुल छोटे बर्नर पे बिल्कुल सिम आंच पे ये बनकर रेडी है, लगे भी नहीं है। हमने 1 कटोरी पानी डाला था, जितना 2 कटोरी सोया चंक्स लिए थे ये वाले, और 1 कटोरी पानी डाला था। अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। गैस का बर्नर ऑन कर लिया है और 1 सर्विंग स्पून इसमें डाला है हमने ऑयल। अब हम कुछ भी जीरा वगैरह नहीं इसमें मिलाएंगे। सबसे पहले हमने जो हमारा गार्लिक क्रश करके रखा हुआ है वो डालेंगे इसमें, ताकि गार्लिक का जो तेज़ फ्लेवर है वो पूरी तरह से आ जाए। हमने 1-2 मिनट अपने गार्लिक को कुक कर लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे 2 कटे हुए अनियंस के स्लाइसेस, देख लिए आप मात्रा नोट कर लेंगे कितनी है, फिर ही कोई भी रेसिपी ठीक बनती है अगर सभी चीज़ें एक सही रेशो में मिलाई जाए। अब हम इसे पिंक करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे। इस रेसिपी में जो अनियंस है उसे पिंकिश करना होता है। वी शैल कुक अनियंस टिल दिस टर्न टू पिंकिश। अब हमारे पिंक हो गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी। आंच को बिल्कुल हम कम रखेंगे, जो फ्लेम है गैस की वो सिम पे रखनी है एट लो फ्लेम, कुक करेंगे इसे लो फ्लेम पे। अब हम इसमें मिलाएंगे सभी मसाले, जैसे कि लाल, इसमें लाल मिर्च ज़्यादा डलेगी क्योंकि हमने हरी मिर्च भी नहीं डाली है इसमें, काली भी नहीं डाली है, जितना भी आपको तीखा पसंद है उस हिसाब से आप अपनी। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे हम MDH की, ताकि उससे कलर आ जाए, हमने रेड रेड कलर देना है इसे। और डालेंगे नमक इतना, जितना 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे हम नमक, जितना सब्जी में डालते हैं। और क्या डालेंगे हम इसमें, और अब डालेंगे हम इसमें 1 टेबलस्पून ये वाला ही फुल शुगर, 1 टेबलस्पून मुंह ऊपर तक भरा हुआ शुगर का, 1 टेबलस्पून डालेंगे कद्दूकस किया हुआ ग्रेटेड जिंजर, कद्दूकस किया हुआ अदरक, इसे ढक देंगे ताकि जो ऑयल है हमारा ऊपर आ जाए। फिर ढक, फिर 2-4 मिनट बाद इसे देखेंगे कि इसकी क्या कंडीशन है।
ये हमने इसे अनकवर करके चेक कर रहे हैं। ये बिल्कुल हमारी जो ग्रेवी है थिक हो गई है और इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब हम इसमें जो हमने अपने बनाए नुट्रिला बॉईल किए थे मसालों के साथ ही डाल देंगे। वो गरम मसाले जो साबुत खड़े मसाले हमने डाले थे उसके साथ ही इसे मिलाएंगे ताकि उसके जो फ्लेवर हैं वो अच्छी तरह से और भी इसमें आ जाएं। और अब 5 मिनट 4 से 5 मिनट हम इसे हमने अपने बॉयल्ड सोया चंक्स को इसमें डाल दिया है। अब हम इसे 2-4 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि जो सभी मसालों के फ्लेवर हैं वो हमारे सोया चंक्स में भी उतर आए। वैसे तो ये अच्छी तरह कुक हो ही चुके हैं, 15 मिनट हमने बॉईल कर लिए थे खड़े मसालों के साथ। अब हम इसे कवर कर देंगे और बिल्कुल मंद आंच पर 4 से 5 मिनट पकने देंगे। थोड़ी कसूरी मेथी भी डाल देंगे, थोड़ी ऊपर डाल लेंगे ताकि इस कसूरी मेथी का फ्लेवर हमारा सोया चंक्स ले ले। अब हम इसे चेक करते हैं, 4 से 5 मिनट हो गए हैं, ये बिल्कुल बनकर रेडी है। देखिए इसके ऊपर जो मसाले हैं वो अच्छी तरह कोट हो गए हैं सोया चंक्स के ऊपर। अब हम इसे ऑन प्लेट करेंगे, प्लेट आउट करेंगे। देखिए किसी भी अच्छी सी डिश में आप सर्विंग डिश में इसे निकालिए, ये बहुत अच्छी डिश बनती है और घर में सभी चीज़ें रहती है। जब भी कोई गेस्ट आए, जब टमाटर सस्ते सीजन टमाटर का सीजन होता है और सस्ते रेट पे उपलब्ध होता है क्योंकि इसमें टमाटर ज़्यादा पड़ते हैं, तो आप आसानी से घर में ये डिश तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको सर्व करने के लिए इसकी गार्निश बताऊँगी। आप कसूरी मेथी मलाइए, कसूरी मेथी से फ्लेवर भी आता है। और गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, हरे धनिया के पत्ते। धनिया पाउडर आप पहले भी मिला सकते हैं सारी सब्जी में, अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। अगर बाद में भी मिलाना चाहिए तो बाद में भी मिला सकते हैं। और थोड़ा मिलाएंगे हम चंकी चाट मसाला, और मिलाएंगे चंकी चाट मसाला। धनिया पाउडर आप पहले ही मिला दिए जब अब हमारी सब्जी तैयार हो जाती है, हम किसी डिश में निकाल रहे होते हैं। चंकी चाट मसाला उससे ज़्यादा बढ़िया रहता है, अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। अब ये सब्जी हमारी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप भी इसी तरीके से नुट्रिला को एक नया टच देते हुए बनाइए, सर्व कीजिए, खुद खाइए, मेहमानों को खिलाइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स वेरी मच।